जून महीने में शादी के लिए सिर्फ 8 दिन हैं शुभ। कौन कौन सी हैं वो तारीखें? 15 जुलाई को है आखिरी शुभ मुहूर्त। ज्योतिष गणना के अनुसार इस वर्ष जून के महीने में शादी विवाह के लिए कुल 8 दिन शुभ माने जा रहे हैं। ज्योतिष गणना के मुताबिक विवाह के लिए 3, 4, 5, 16, 20, 22, 23 और 24 तारीख अनुकूल बताई जा रही है। अगर आप जून के महीने में विवाह प्लान कर रही हैं, तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना न भूलें, क्योंकि ये आपके और आपके परिवार वालों के लिए खतरनाक हो सकता है। फिलहाल हिंदू कैलेंडर के लिहाज से ज्येष्ठ माह चल रहा है, यानी देश में अभी गर्मियों का मौसम है। इस दौरान शादियां खूब होती हैं। गर्मियों में शादी के लिए आखिरी शुभ मुहूर्त 15 जुलाई को है। इस दिन के बाद से धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शादी विवाह के कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। गौरतलब है कि देवशयानी एकादशी के बाद से ही सभी देव शयन योग में चले जाएंगे और फिर नवंबर के महीने में देव उठनी एकादशी से शादियों का सीजन फिर से शुरू हो जाएगा। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। आपने बहुत से लोगों के मुख से ऐसा सुना होगा कि शादी के बाद किसी व्यक्ति की किस्मत चमक गई, या उसके वारे न्यारे हो गए, या उस पर लक्ष्मी मेहरबान हो गई। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसा सोचते हों कि शायद किसी अमीर घराने में किसी व्यक्ति की शादी होने की वजह से उस पर लक्ष्मी मेहरबान हुई हो, उसके वारे न्यारे हुए हो। लेकिन मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि शादी के बाद किसी व्यक्ति की किस्मत चमकने के पीछे ज्योतिषीय कारण भी होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कुंडली में चंद्रमा की स्थिति। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को यह बता दूं कि जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में थर्ड हाउस तृतीय भाव, जिसे पराक्रम और भाई बहन स्थान भी कहा जाता है, वहां पर चंद्रमा बैठते हैं, तो उस व्यक्ति का शादी के बाद भाग्योदय होता है और उस पर लक्ष्मी मेहरबान हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती और ऐशो आराम की सारी चीजें उसे मुहैया रहती हैं और जीवन की भौतिक सुख सुविधाएं उसे हासिल होती हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि चंद्रमा को हमारे मन का स्वामी माना गया है। कुंडली में 12 भाव होते हैं और चंद्रमा आपकी कुंडली में किस भाव में बैठा है, इस पर आपका भाग्य काफी हद तक निर्भर करता है। चंद्रमा को शीतलता का प्रतीक माना गया है। कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो तो व्यक्ति को शुभ लाभ हासिल होते हैं। चंद्रमा अगर कमजोर हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहने लगता है। मैं आज की इस पोस्ट में कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो कुंडली के 12 भाव होते हैं, उनमें किस भाव में चंद्रमा के बैठने से क्या लाभ होते हैं और कैसे फल मिलते हैं। और आप भी अपनी कुंडली में से देख सकते हैं कि चंद्रमा 12 भावों में से किस भाव में बैठा है और आपके लिए कैसा है। मैं सबसे पहले कुंडली टीवी के दर्शकों को फर्स्ट हाउस के बारे में बताऊंगा, जिसे लग्न कहा जाता है, कुंडली का प्रथम स्थान। और यहां पर अगर चंद्रमा बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति स्वभाव से बहुत सरल होता है, संवेदनशील होता है और इसकी गायन में, वादन में, संगीत में, लेखन में, कविता लेखन में, साहित्य में खूब रुचि रहती है और ऐसे व्यक्ति को जीवन के सारे सुख हासिल होते हैं। और अगर सेकंड हाउस में द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति मधुरभाषी होता है, सुंदर होता है, शांति प्रिय होता है और सेकंड हाउस, जिसे धन का स्थान भी कहा गया है, वहां पर चंद्रमा का बैठना बहुत शुभ रहता है। ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहती है और मां लक्ष्मी की उस पर विशेष कृपा रहती है। और तीसरा भाव, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, थर्ड हाउस, जिसे पराक्रम स्थान भी कहते हैं, यहां पर अगर चंद्रमा बैठते हैं तो उस व्यक्ति का भाग्य जो है वो शादी के बाद खुल जाता है, उस पर लक्ष्मी मेहरबान रहती है, जीवन के तमाम सुख और सुविधाएं उसे हासिल होती है। और जिसके थर्ड हाउस में चंद्रमा बैठा हो, वह व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी होता है, उसकी स्मरण शक्ति गजब की होती है और ऐसे लोगों को खूबसूरत पत्नी मिलती है और ऐसे लोग स्वयं भी स्लिम एंड ट्रिम होते हैं, यानी चरहरी काया के होते हैं। कुंडली का फोर्थ हाउस, चतुर्थ भाव, जिसे सुख संपत्ति और माता स्थान भी कहा जाता है, यहां पर अगर चंद्रमा बैठा हो तो ऐसा जातक जो होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत शांत स्वभाव का होता है, बहुत दयालु होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत ही मिलनसार भी होता है और मां की सेवा करने वाला होता है, अच्छे चरित्र वाला होता है, सदाचारी हम उसे कह सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति को
भूमि सुख, वाहन सुख और मकान सुख हासिल होता है। कुंडली का पंचम भाव, जिसे विद्या बुद्धि और संतान भाव भी कहा जाता है, वहां पर अगर चंद्रमा बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत चंचल होता है, लेकिन बुद्धिमान भी होता है, धैर्यवान भी होता है। ऐसा व्यक्ति शौकीन मजाज होते हैं, संगीत प्रेमी भी होते हैं, जिंदा दिल भी होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं और अपनी मित्र मंडली में काफी लोकप्रिय रहते हैं। ऐसे लोग दीर्घायु भी होते हैं। कुंडली का छठा भाव, जिसे रोग और शत्रु स्थान कहा जाता है, यहां पर चंद्रमा का बैठना बहुत शुभ नहीं माना जाता। ऐसे जातक अक्सर बीमार भी रहते हैं और उन्हें कफ, वात, नेत्र जैसे रोग हो जाते हैं। ऐसे लोग जो है वो ज्यादा खर्चा करने वाले होते हैं और उन्हें जिंदगी से कुछ गिले भी रहते हैं। कुंडली का जो सप्तम भाव है, जिसे मैरिड लाइफ हाउस यानी दाम्पत्य भाव भी कहा जाता है, यहां पर चंद्रमा का बैठना व्यक्ति को थोड़ा धार्मिक बना देता है और अध्यात्म की तरफ भी रुचि ले जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत सभ्य, बहुत धैर्यवान होता है और ऐसा व्यक्ति अगर व्यापारी है तो उसे को फायदा होता है। उसकी पत्नी सुंदर होती है, धार्मिक विचारों की होती है और प्रेम व रिलेशनशिप के मामलों में ऐसे व्यक्तियों को बहुत सफलता मिलती है। कुंडली का जो एट्थ हाउस है, आठवां भाव, जिसे आयु स्थान भी कहा गया है, जिसे मृत्यु स्थान भी कहा गया है, यहां पर चंद्रमा का बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जिनके एट्थ हाउस में चंद्रमा बैठा होता है उन्हें कोई ना कोई रोग घेरे रखता है और अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा व्यक्ति अल्पायु भी होता है। ऐसे व्यक्ति कई बार ईर्ष्यालु स्वभाव के भी होते हैं, आत्म सम्मान की और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी उनमें कम होता है। और नवां भाव जो है, जिसे भाग्य स्थान भी कहा जाता है, यहां पर चंद्रमा अगर बैठता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत न्यायप्रिय होता है, बहुत विद्वान होता है, बहुत साहसी होता है और धार्मिक कार्यों में अग्रणी रहने वाला होता है। प्रकृति प्रेमी भी होता है, नेचर को बहुत पसंद करता है और उसको बहनों से विशेष सहयोग मिलता है। ऐसा व्यक्ति जरूरतमंदों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। दसवां भाव, जिसे पिता स्थान और राज दरबार स्थान भी कहा जाता है, अगर चंद्रमा यहां पर बैठा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत दयालु होता है, बुद्धिमान होता है और यशस्वी होता है, वो संतोषी होता है, लोकहितैषी होता है, मातृभक्त होता है और इस व्यक्ति को अपने जीवन में मां का सुख, जमीन का सुख, जायदाद का सुख और मकान सुख, वाहन सुख, सारे सुख हासिल होते हैं, यानी जीवन की सारी भौतिक सुविधाएं उसे मिलती हैं। कुंडली का जो ग्यारहवां भाव है, जिसे इनकम स्थान कहा जाता है, वहां पर अगर चंद्रमा बैठता है तो ऐसा व्यक्ति चंचल भी होता है, गुणों से युक्त होता है, यशस्वी होता है, दीर्घायु होता है और कला प्रेमी भी होता है और ऐसे व्यक्तियों का कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल बहुत उम्दा रहता है। और कुंडली का बारहवां भाव, जिसे खर्च स्थान भी कहा जाता है, अगर चंद्रमा यहां बैठता है तो ऐसा व्यक्ति कई बार नेत्र रोगी होता है, कफ रोगी होता है, सर्दी की उसे शिकायत रहती है, एकांत प्रिय भी होता है, अधिक खर्च करने वाला भी होता है और ऐसे लोगों के पास पैसा स्थायी रूप से टिक नहीं पाता, पैसा आता है और चला जाता है और ऐसे लोगों को अलग अलग स्थानों का भ्रमण करना बहुत अच्छा लगता है। और जिनकी कुंडली में बारहवें घर में चंद्रमा बैठा होता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो विदेश यात्राएं भी करता है और विदेश में सेटल होने के उसके योग भी बनते हैं। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी।